18वीं लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार को आज दूसरा दिन है। वहीं पीएम मोदी आज लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखेंगे। इसके लिए मंगलवार दिन में 12 बजे तक नाम देना है। अकेले दम पर बहुमत से दूर भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों से आज विचार विमर्श कर रही है। वहीं सदन में ताकत बढ़ने से उत्साहित विपक्षी गठबंधन इंडिया भी सभी विकल्पों पर विचार करते हुए सियासी संदेश देने के लिए चुनावी मुकाबले की स्थिति बना सकता है। ऐसा हुआ तो यह देश के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब स्पीकर पद का चुनाव हो। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा स्पीकर का चयन सर्वसम्मति से होता रहा। वहीं दरअसल गठबंधन सरकार में स्पीकर की भूमिका अहम होती है। ऐसे में विपक्ष ही नहीं बल्कि टीडीपी और जेडीयू जैसे एनडीए के बड़े सहयोगी दल भी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सोमवार की देर रात तक इसे लेकर सस्पेंस बरकरार रहा।